सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको संडे 27 जून को सादर जय जिनेंद्र। आज हम धर्म के विषय को छोड़कर आज कर्म की थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हमारे इस संसार के अंदर दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म जैन संस्कृति के साथ एक और हमारे लिए महत्वपूर्ण संस्कृति हमारी कि जैन कर्म होकर क्या करते हैं। क्या गौरवान्वित होने वाला हमारा जैन समाज आज केवल धर्म के आधार पर ही टिका हुआ है, या धर्म के अलावा ये 44,51,253 जैन जो कहे जाते हैं, जो 2011 की गणना के अनुसार कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अब की बार जब गणना होने वाली है, अब पीछे गंगवाल शाह अग्रवाल आदि हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें लिखना है अपने धर्म के अंदर जैन टिक करना है, तब हमारी असली गणना सामने आएगी। ये जो गणना शायद 2 करोड़ के आसपास होने की संभावना है, पर बशर्ते आप सब अपने पीछे संकल्प कर ले हमें जैन लिखना है। पर बात कर रहे थे हम कि क्या है जैनों का कंट्रीब्यूशन इस भारत के अंदर। एक बात आती है हवा के अंदर, बहुत बात कहते हैं हम लोग, कहते हैं तीर मारते हैं, तुक्के मारते हैं, झूठ बोलते हैं। यही बात की जाती है कि जैन सबसे ज्यादा 24% तक टैक्स में योगदान करते हैं सरकार को। ये बात कहीं भी कहते हैं ना, कोई भी बात उठती है तो हवा से नहीं उठती है, कहीं ना कोई उसकी लकीर होती है। उसको गूंथते गूंथते हम पहुंचे इस बारे में, तो हमें खोजने में मालूम चला कि सबसे पहले इस बात को लिखा था अंग्रेजी के एक बहुत बड़े अखबार 20 अगस्त 2007 को द हिंदू अखबार ने, जिसका एक हेडिंग आपको दे रहे हैं हम। उस आर्टिकल कैप्शन था जैन्स कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेकर एक्सटाउंडिंग, यानी बहुत बड़ा। उसकी चर्चा फिर इकोनॉमिक टाइम्स आदि, फिर सोशल लेवल पे गई। उस आर्टिकल को आज भी आप डिजिटल रूप में देख सकते हैं। वहां से बात आई कि 24% टैक्स देने वाला जैन समाज है। केवल जैन समाज टैक्स ही देता है? देश में 4 सेक्टर होते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी उद्योग इंडस्ट्री, इसके अंदर जैनों का क्या योगदान है, आज की रिपोर्ट उसी पर समर्पित है। और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, गर्व पर अनुभूति होगी कि भारत के अंदर जैनों का क्या योगदान है। इस रिपोर्ट में केवल यही दिखाया है। और फिर आप कल से जरूर ध्यान रखिएगा कि जैनों ने इस 44 लाख की जो संख्या आ जाए, इससे पहले जैनों ने क्या क्या योगदान इस देश को दिया है। चैनल महालक्ष्मी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। शुरुआत करते हैं दवा से, क्योंकि कोरोना के कारण फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस समय आसमान पर है, और सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडिया की है सन फार्मा, उसकी शुरुआत एक जैन बंधु दलीप संघवी जी ने की थी, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 को हुआ था। भारत सरकार से 2016 में पद्मश्री पा चुके हैं, और इंडिया टुडे मैगजीन ने 2017 में इन्हें भारत का 8वां सबसे पावरफुल इन लोगों के अंदर गणना की थी। फोर्ब्स ने इस वर्ष अप्रैल 2021 में संघवी जी को भारत का 9वां सबसे अमीर आदमी घोषित किया है, जिनकी नेटवर्थ 11 बिलियन अरब डॉलर तक है। इन्होंने पिताजी के साथ शुरू किया था कलकत्ता में ड्रग्स का व्यवसाय, और फिर धीरे धीरे 1982 में 10,000 रुपये की पूंजी से सन फार्मास्यूटिकल शुरू करी। अप्रैल 2014 में रैन वैक्सी को लिया, और फिर बढ़ते बढ़ते आज इस समय भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 5वें नंबर की फार्मास्यूटिकल दवा कंपनी बन गई है सन फार्मा। अब बात करते हैं जो सबके आकर्षण होता है, सोने की बात, गोल्ड और ज्वेलरी उद्योग की बात। इसके अंदर भी सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी जो है वह कही जाती है राजेश एक्सपोर्ट, और उसे भी एक जैन बंधु ने शुरू किया है, राजेश मेहता जी ने, जिनका जन्म हुआ था 20 जून 1964 को। पूरा नाम है राजेश जसवंत मेहता जी। इनका बेंगलोर से कारोबार आधारित है, और यह अब ज्वेलरी कंपनी के चेयरमैन है राजेश एक्सपोर्ट्स के। 2017 में फोर्ब्स ने इनकी जो है आय है लगभग $3 बिलियन एस्टिमेट की थी, और कहा था कि भारत के 61वें सबसे अमीर आदमी हैं। उद्योग श्री मिल चुका है, ज्वेलरी अवार्ड सरकार से मिल चुका है, जैन भूषण अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। अब बात करते हैं बुलियन इंडस्ट्री की। सबसे बड़ी बुलियन कंपनी है भारत में RSBL, और उसको शुरू किया पृथ्वीराज कोठारी जी ने, जिन्हें बुलियन किंग भी कहा जाता है भारत में। RSBL यानी रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड, और इस आज इसने एक नई दिशा दी है पूरे में। ये बसंत विहार में जन्मे थे, और फिर इन्होंने 5 साल की उम्र में जब थे तो यह दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, और फिर इन्होंने 1994 में रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड की शुरुआत की थी। और कहते हैं जब यह वहाँ पर उनका अंडरवर्ल्ड का तेज चलता था, काम चलता था, उस समय के कारण चलते हुए उस प्रतिकूल व्यवस्था में भी इन्होंने काम शुरू कर रखा, और आज की तारीख में कहते हैं ये डेली 1 करोड़ की सोना चांदी का
ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब बात करते हैं मीडिया इंडस्ट्री की, यानी कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसके अंदर तो कह सकते हैं, मान लिया राजनीति में कोई हम उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन मीडिया कहते हैं पूरी तरीके से जैनों के कब्जे में है। कोई भी बड़े अखबार कह दो आप, भास्कर, लोकमत, मातृभूमि, पर सबसे आगे जो है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का बेनेट कॉलम एंड कंपनी इंडिया लिमिटेड, BCBCL लिमिटेड, जो है इस समय साहू शांति प्रसाद जी ने शुरू किया था। और उनके फिर उसके बाद जो आए, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में साहू जी ने जब शुरू किया, उसके बाद साहू अशोक जी, उनके देहांत के बाद इंदू जी ने शुरू उसको आगे बढ़ाया। इंदू जी के बाद उनके दोनों पुत्र समीर और विनीत इसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं। और इस समय टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे देश का नहीं, विश्व में नंबर एक अखबार हो चुका है। और ये नहीं, अभी कई जगह में, एजुकेशन में, आउट कई जगह पर इसने विविधाएं कमाई की, आपके चैनल के अंदर, रेडियो के अंदर मार्क रखी हर के ऊपर। अब आते हैं इसके बाद जो कहते हैं जमीन जायदाद की बात, रियल सेक्टर सेक्टर की बात। उसके अंदर भी कहते हैं सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप जो भारत में है वो है लोधा ग्रुप, और उसे किया है शुरू मंगल प्रभात लोधा जी ने, जो 2019 से की आंकड़े की गिनती अनुसार सबसे अमीर के अंदर भारत के 47वें नंबर पे आते थे। जन्म हुआ था इनका 1 दिसंबर 1955 को। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और अब नेता भी हैं, क्योंकि इन्होंने बीजेपी से मुंबई यूनिट में यह अध्यक्ष भी हैं और फाउंडर रहे हैं ये उसके मैक्रो टेक के डेवलपर्स के। रियल एस्टेट का काम है इनका, और इन्होंने मालाबार हिल से जो साउथ मुंबई में, वहाँ से MLA भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं एक और उद्योग की, आसमान की बात करें अब। जी हाँ, एविएशन और एयरलाइन इंडस्ट्री। एक समय की बात है जब हवाई जहाज का किराया इतना महंगा होता रहा, इतना महंगा कि वहाँ पर जो ट्रेन का किराया और हवाई जहाज किराए में 3-4 गुना का अंतर होता था, लेकिन उसको टक्कर दी सबसे पहले राकेश गंगवाल जी ने इंडिगो एयरलाइन से। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि रेलवे के फर्स्ट क्लास की टिकट से मैं सस्ता किराया हवाई जहाज का कर दूंगा। और कमाल की बात है, इन्होंने ये शुरुआत करी। और फिर 2020 में इन्हें फोर्ब्स ने जो अमरीका के सबसे 400 लोगों की, इनके पास जो है ये NRI हैं, और ये वहाँ पर जो इनको अमेरिका के व्यवसायी के रूप में गिना जाता है, सबसे सस्ते जो एयर की टिकट शुरू करी, 359वां सबसे अमीर अमेरिकी हैं इस समय। आकाश की बात कर ली हमने, अब जरा जमीन सेट के पानी की बात कर ले, यानी सबसे बड़े बंदरगाह, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक सेक्टर जो है ना, उसमें सबसे आगे नाम है मोदी जी के जाने बचाने और आप सबको जानने वाले, अब कहते हैं अदानी जी का, गौतम अदानी जी का। इन्होंने अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड की शुरुआत करी, और इनका जन्म हुआ था 24 जून 1962 को। गुजरात जैन फैमिली है और इस समय एशिया के दूसरे अमीर आदमी हैं और विश्व में 13वें नंबर पर गिनती होती है फोर्ब्स के आंकड़े के अनुसार। इन्होंने केवल पोर्ट्स के सेक्टर में नहीं किया, बल्कि पावर और इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर भी सबसे बड़ी निजी कंपनी है इस समय अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, सब गौतम अडानी जी की शुरुआत की हुई है। इनका कहते हैं जगह जगह अब यह व्यवसाय फैलाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए हैं, डिफेंस में आ गए हैं, एरोस्पेस में आ गए हैं, एनर्जी में आ गए हैं, रिसोर्सेज में आ गए हैं, यानी गौतम अदानी जी ने अब पूरी तरीके से वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं हम कृषि प्रधान भारत के इरीगेशन सेक्टर की, यानी सबसे बड़ी इरीगेशन कंपनी जो है इस समय भारत की वह है जैन इरीगेशन, और उसे शुरू किया भंवरलाल हीरालाल जैन जी ने, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1987 को हुआ और स्वर्गवास हो गया था उनका 3-4-5 वर्ष पहले 25 फरवरी 2016 को। वह पहले भारतीय और दूसरे एशियाई हैं जिन्हें यह सम्मान मिला था, प्रेस्टीजियस नाम था क्रॉफोर्ड रिवी मेमोरियल अवार्ड, जो कि अमेरिका की इरिगेशन एसोसिएशन देती है, यानी पहले भारतीय थे उसको पाने वाले, यानी इन्होंने इरिगेशन की टेक्निक्स में क्या से क्या क्रांति लाकर रख दी थी। और अब बात करें चार पहिए के वाहनों की बात करते हैं, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, उसके लिए जरूरी होते हैं पार्ट्स के बारे में। कहते हैं राहुल बजाज को जानते हैं आप लोग, उन्हीं के भतीजे हैं ट्विन जोड़ी, जुड़वा जोड़ी है अनुराग जैन और तरंग जैन की, जिन्होंने वैरो ग्रुप और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की शुरुआत करी, यानी यह विश्व में सबसे बड़े केसार में 6ठे नंबर पर लाइटिंग बिजनेस है, $90 मिलियन से ज़्यादा का व्यापार करते हैं आज की तारीख में, यानी यहाँ भी जैन ही छाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आसमान की, जब बात कर रहे थे सबसे पहला बताया आपको कि सबसे सस्ते किराए किसने शुरू किए, अब बात करते हैं सबसे पहला एयरक्राफ्ट किसने बनाया था, सोच सकते हैं आप,
हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी आप जानते हैं आप इस समय हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत की जो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कंपनी है। पर वास्तव में इसकी शुरुआत की थी सेठ वालचंद हीराचंद ने, जिनका जन्म हुआ था 23 नवंबर 1882 को और स्वर्गवास हो गया था 8 अप्रैल 1953 को। यही नहीं, इन्होंने सबसे पहले एयरक्राफ्ट नहीं सबसे पहली शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी शुरू करी, जो बाद में सरकारी अधिग्रहण से हिंदुस्तान शिपयार्ड बन गई है। इसकी भी शुरुआत सेठ वालचंद हीराचंद दोषी जी ने की थी, यानी सबसे मॉडर्न शिपयार्ड जो इनका था, फर्स्ट एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के साथ इन्होंने पहली कार फैक्ट्री भी शुरू की थी। ये शौक इनके अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी, शुगर केन प्लांटेशन, शुगर फैक्ट्रियां, कॉन्फेक्शनरीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, पता नहीं कितने कितने कारोबार इन्होंने शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं आसमान से हम दूसरी जगह जाने की, क्योंकि आजकल हमारा देश मंगल ग्रह तक बात करने लगा है। तो सबसे बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है समय जो विश्व के अंदर भी कहा जाता है हमारा, उसके अंदर जो है इसरो। इसरो की अंदर सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, हर के नाम याद है, और इसकी शुरुआत जब की थी इसको बनाने की भारत के प्रथम सैटेलाइट की, तो किसके कंधों पर थी, ये थे हमारे विक्रम साराभाई जी। और इन्हीं विक्रम साराभाई जी ने कस्तूरी भाई लाल भाई जी के साथ मिलकर जो हमारा कहते हैं व्यापार और प्रबंधन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो देश का है IIM अहमदाबाद, इसकी कहते हैं धरा भी इन्होंने ही रखी थी। अब आ जाएं जो 50,000 के कूद रहा है इस समय शेयर बाजार, यानी आज की तारीख में जब पूरे देश में मंदा है ये आसमान छू रहा है शेयर बाजार। इसकी शुरुआत भी जो कहते हैं हमारे एक जैन बंधु सेठ प्रेमचंद रॉयचंद जी ने की थी, जिन्होंने भारत के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को शुरुआत किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। 9वीं सदी की बात है ये, और ये कहा जाता है इन्हें कॉटन किंग के बाद बॉलर, ये जो बुलियन किंग कहलाने लगे। 1831 मार्च में जन्म हुआ था इनका, और फिर इन्होंने धीरे धीरे दासा जैन फैमिली से जो सूरत से बिलोंग करते थे बॉम्बे में आए, और एक युवा के रूप में इन्होंने कॉटन और बुलियन ट्रेड के अंदर ख्याति प्राप्त की और शुरू कर दिया फिर जो अब आज की तारीख में जब नाम था उसका नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट कम्युनिटी मार्केट के बारे में, जो इंडिया का MCX मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज है ना, जैसे शेयर मार्केट का ऐसी है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज। इसकी शुरुआत भी एक जैन ने कर दी, जिग्नेश शाह जी ने, जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया, और कहते हैं साथ में उन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की भी शुरुआत करी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस समय सबसे बड़ा लार्जेस्ट कम्युनिटी एक्सचेंज है, जहां पर 70% कम्युनिटीज का पूरे इंडिया का व्यापार होता है। एपिसोड में बस यही गौरव की अनुमति कि कोई सा भी उद्योग जल थल आकाश तीनों बाह्य जैनों का प्रकाश, जैसा हमने दिखाया आपको कि कोई बहो सोने की बात करे, चांदी की बात करे, खेती की बात करे, हवाई जहाज की बात करे, पानी के जहाज की बात करे, बंदरगाह की बात करे, अखबार की बात करे, सोने की जो भी बात करते हैं आप, हर जगह जैन ही आगे आते हैं। विश्वास करिए अपने पूर्वजों पर, वर्तमान पर लोगों पर, कुछ ऐसे ही काम आप भी कर जाइए, तभी तो कहेंगे कि जैनों भारत की धरोहर है, ऐसी अनमोल धरोहर है जो संस्कृति विरासत के साथ आज भी जैन पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में गुंजायन करते हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ एक अनोखी खबर के साथ। सादर जय जिनेंद्र।